लिनोवो ने हाल ही में अपनी फैमिली में दो मेंबर्स जोड़े हैं जिनका नाम है लिनोवो K6 Note और Moto M। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर एक फैमिली में दो मेंबर्स एक ही लेवल पे हों तो उनमें हमेशा तकरार होती है, और ऐसा ही कुछ इन दोनों फोन्स में भी है। इन दोनों फोन्स के दो वेरिएंट लॉन्च हुए हैं, यानी 3GB रैम वाला वेरिएंट और 4GB रैम वाला वेरिएंट, लेकिन इन दोनों फोन्स की प्राइसिंग एकदम डिफरेंट है। यानी अगर आप इन फोन के 3GB रैम वाले वेरिएंट की बात करेंगे तो K6 Note आपको पड़ेगा 13,999 रुपये का, जबकि Moto M आपको पड़ेगा 15,499 रुपये का। और अगर 4GB रैम वाले वेरिएंट की बात करेंगे तो K6 Note की कीमत है 15,999 रुपये, जबकि Moto M कीमत है 17,999 रुपये। तो अब सवाल उठता है कि अगर मेरी जेब में 15,000 रुपये हैं तो मैं कौन सा फ़ोन खरीदूँ। तो आइए देखते हैं लिनोवो के 4GB रैम वाला वेरिएंट वर्सेस मोटो का बेस वेरिएंट। सबसे पहले शुरू करते हैं इन दोनों फोन्स की लुक्स और डिजाइन से। तो दोनों ही फोन्स देखने में काफी अट्रैक्टिव हैं, और उसकी वजह यह है कि दोनों ही फुल मेटल बॉडी फोन्स हैं। साथ ही साथ इन दोनों फोन में आपको बैक में कर्व मिलेगा, जिस वजह से दोनों ही फोन्स आपको अच्छी ग्रिप ऑफर करेंगे और आपके हाथ से आसानी से फिसलेंगे नहीं। इसलिए यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि लुक्स वाइज डिजाइन वाइज आपको कौन सा फोन पसंद आता है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, मेरा इस पर कॉमेंट करना जायज नहीं रहेगा। डिस्प्ले के मामले में भी ये दोनों ही फोन सिमिलर हैं, क्योंकि इन दोनों ही फोन में आपको 5.5 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन वाला IPS डिस्प्ले मिलेगा विद 401 PPI। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये दोनों ही फोन एकदम अलग है, क्योंकि Lenovo K6 Note में आपको मिलेगा Qualcomm का Snapdragon 430 प्रोसेसर, जबकि Moto M में आपको मिलेगा MediaTek Helio P15 प्रोसेसर। तो इसके अनुसार Moto M बेहतर फोन साबित हो सकता है, पर जब बात आती है मल्टीटास्किंग की तो Lenovo K6 Note एक बेहतर फोन साबित होगा, और उसकी वजह यह है कि Moto M में आपको 3GB की रैम मिल रही है, जबकि K6 Note में आपको 4GB की रैम मिल रही है इस प्राइस रेंज में। पर अब बात की जाए सॉफ्टवेयर की, तो दोनों ही फोन इस मामले में भी एट पार है, क्योंकि K6 Note और Moto M दोनों में ही आपको Android Marshmallow मिलेगा, और दोनों फोन का UI भी ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए इस पॉइंट पे दोनों में ही टाइप होता है। और बात करें स्टोरेज की, दोनों ही फोन में आपको 32GB की स्टोरेज मिलेगी, साथ साथ इन दोनों में आपको Dolby Atmos साउंड टेक्नोलॉजी मिलेगी। पर यहाँ पे Lenovo के पास एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि इस फोन में आपको एक स्पेशल फीचर मिल रहा है जिसका नाम है थिएटर मैक्स टेक्नोलॉजी, और इस फीचर की मदद से आप इस फोन में किसी भी गेम या किसी भी वीडियो को इसके कंपैटिबल VR हेडसेट में चला पाएंगे। कैमरा के मामले में भी दोनों ही फोन्स में एक बार फिर से टाई अप होता है, क्योंकि इन दोनों ही में आपको 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, जिसकी वजह से हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों ही फोन्स आपको ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस देंगे। और अब बात की जाए फोन्स के एक मेन एस्पेक्ट की, जिसके लिए हम सभी क्रेव करते हैं, तो आपको Lenovo K6 Note से भी K6 पावर की तरह ही एक शानदार बैटरी बैकअप मिल सकती है, क्योंकि इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, जबकि Moto M में आपको मिलती है 3050 mAh की बैटरी। अब आखिर में बात आती है वॉलेट की। अब अगर आपके पास 15,000 रुपये हैं तो आप मेरे हिसाब से Lenovo K6 Note को खरीदें, क्योंकि उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिल रहे हैं, जैसे कि 4GB की रैम, थिएटर मैक्स टेक्नोलॉजी और 4000 mAh की बैटरी, जो कि Moto M से बेहतर है। पर अब जो मैंने आपको डिफरेंस बताया, ये इस फोन के फर्स्ट इंप्रेशन और इनके स्पेक्स के बेसिस बताए, मेरे पर्सनल ओपिनियन थे, लेकिन मैं आपको इन फोन्स की रियल लाइफ परफॉर्मेंस के बारे में इसके रिव्यू के बाद ही बता पाऊंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको फिर भी इन फोन को लेकर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल खत्म होने वाला है और इस साल काफी सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं, लेकिन इनमें से कौन सा एक बेहतर स्मार्टफोन है ये सिर्फ आप ही चूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप नीचे दिए लिंक पर जाएं और अपने फेवरेट स्मार्टफोन को वोट करें, और हाँ, अगर आप वोट करते हैं तो आप काफी सारे इनाम भी जीत सकते हैं।